पार्ट वन के सभी छात्र ध्यान दीजिएगा जिनका सीजन 2021 से 24 है और पार्ट वन की परीक्षा के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही इसमें आप लोगों को VVI गेस क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है और इसके साथ ही आपको 4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो भी आपको कैसे डाउनलोड करना है अपने सब्जेक्ट के अनुसार, ये इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और साथ ही जितने भी छात्र पार्ट वन के थे जिनका सेशन 2021 से 24 था, उन छात्रों के लिए हमने गेस पेपर का गिव अवे रखा था जिसमें हमने आपको बताया था कि 50 स्टूडेंट को फ्री में गेस पेपर मिलेगा, तो इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट कर दिया गया, तो इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया है आप सभी छात्रों को। और साथ ही जिनका भी नाम गेस पेपर विनर लिस्ट में आया है वो छात्र को हमने उनके कमेंट में, जो भी छात्र विनर हुए हैं उनको कमेंट किया गया था और उसमें उन छात्रों को एक गूगल फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन दिया गया है। तो जो भी छात्र विनर है जल्द से जाइए गूगल फॉर्म को सबमिट कीजिए और सबमिट करते ही आप लोग को 15 अप्रैल तक आपके घर तक गेस पेपर पहुँचाने का मैंने निर्णय लिया है, क्योंकि आप लोग जब तक सारा डिटेल सबमिट करके नहीं दीजिएगा, काफ़ी जो स्टूडेंट है जैसे कि 50 स्टूडेंट है उसमें से अभी तक मुश्किल से 20 स्टूडेंट का सारा डिटेल आया है, 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक इन्फॉर्मेशन यानी नोटिफिकेशन भी नहीं देखे हैं। तो जल्दी जाइए आप लोग पहले वो सबमिट कीजिए जो भी छात्र विनर हैं और इसके बाद आप लोग के एग्ज़ाम के बारे में आइए अब जानते हैं। तो दोस्तों पार्ट वन एग्ज़ाम को लेकर आप लोगों में से काफ़ी सारे छात्र चिंतित हैं, तो पहला नंबर ध्यान दीजिए आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो मई महीने में लिया जाएगा, ये आप लोग कंफर्म हो चुके हैं। और साथ ही अब यहाँ पे बात है कि अगर पार्ट वन वाले छात्रों का रिजल्ट जारी किया जाता है तो आप लोग का तो एग्ज़ाम मई में हो जाएगा, अगर पार्ट वन वाले छात्र का रिजल्ट इस माह में यानी अप्रैल माह में जारी नहीं किया जाएगा तो फिर से आप लोग का जो तिथि है एग्ज़ाम की वो आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपडेट पाने के लिए आप लोग वेबसाइट पर विजिट करते रहिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो मैं आपको अपडेट कर पाऊँ। और इसके साथ ही अब चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग VVI गेस क्वेश्चन और साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए आप लोग गूगल पे आइएगा, सर्च कीजिएगा खबरी सपाटा, प्रथम नंबर पे जो वेबसाइट आएगा इसको कर लेना है टाइप करके ओपन। ओपन करने के बाद आपको टॉप बार में ही पार्ट वन एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी जानकारी दी गई है, तो इस पोस्ट को भी आप पढ़ सकते हैं, परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी। और इसके साथ ही नीचे ये जो आप लोग देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का VVI गेस क्वेश्चन डाउनलोड करने का है, सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक करना है, ऐड आएगा, ऐड को क्लोज कीजिए और ये पोस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद सभी छात्र ध्यान दीजिए, इसमें सभी ऑनर्स पेपर का आप लोग को VVI गेस क्वेश्चन और 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोग का जो VVI गेस क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि मैं यहाँ जूलॉजी का ओपन कर रहा हूँ, तो इसमें जो VVI जो गेस क्वेश्चन दिया गया है 20-20 ज़रूर रीड करना है, क्योंकि इसी में से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके साथ ही आप लोग को प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन को देखना है, और हमने आपको पहले बता दिया है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम पैटर्न है इस बार ऑनर्स पेपर का थ्योरी एग्ज़ाम लिया जाएगा यानी लिखित एग्ज़ाम लिया जाएगा, और सब्सिडरी पेपर में कंपोजिशन पेपर में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि OMR शीट पे आपको जवाब देना होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे पेपर 1 और पेपर 2 में आप लोग को लिखित एग्ज़ाम लिया जाएगा। और तो अभी से आप सभी छात्र जाइए एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, जो भी छात्र गेस पेपर परचेज नहीं कर पाए हैं आप लोग अपने मार्केट से पता कीजिए, मार्केट में उपलब्ध है न्यू एडिशन का बुक, आप लोग जाइए परचेज कीजिए और अभी से परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो संभवतः मई महीने में होने की संभावना है, और इसलिए आप लोग अभी से परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।